इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि स्मार्ट एलईडी टीवी में यूट्यूब कनेक्ट कैसे कर सकते हो और कनेक्ट करने के बाद उसमें प्ले कैसे कर सकते हो। तो फ्रेंड, हमारे पास एक जो स्मार्ट एलईडी टीवी है जो रियलमी का है, तो उसमें मैं मोबाइल से यूट्यूब को कनेक्ट करने वाला है और कनेक्ट करने के बाद उसमें मैं यूट्यूब को प्ले करने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। और वीडियो स्टार्ट करने से अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, यदि आप हमारा न्यू वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। तो चले फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट कर दें। तो फ्रेंड, आप देख लीजिए कि हमारा जो स्मार्ट एलईडी टीवी है जो रियलमी का है, तो उसमें मैं यूट्यूब को कनेक्ट करने वाला है और कनेक्ट करने के बाद उसमें प्ले करने वाला है। तो फ्रेंड, आप देख लीजिए कि सबसे पहले जो आपके पास जो स्मार्ट एलईडी टीवी है, तो उसमें आपको जो सभी एप्लीकेशन आता है वही आपको ओपन कर देना है। तो चलिए, मैंने सभी एप्लीकेशन है वही मैंने ओपन कर दिया है और ओपन करने के बाद उसमें जो यूट्यूब का ऐप है वही आपको ओपन कर देना है। तो चलिए, मैं यूट्यूब का ऐप है तो उसमें मैं क्लिक करता हूँ, तो आपको इस तरह यूट्यूब को ओपन कर देना है। तो चलिए, मैं यूट्यूब को ओपन कर देता हूँ और ओपन करने के बाद फ्रेंड, आप देख लीजिए कि उसमें हमारा जो यूट्यूब एप्लीकेशन है वही ओपन हो रहा है, लेकिन उसमें कोई इंटरनेट कनेक्ट नहीं है तो इस वजह से यूट्यूब ऐप ओपन नहीं हो रहा है। तो आपको सबसे पहले जो स्मार्ट एलईडी टीवी है तो उसमें आपको वाईफाई ऑन करना है। तो चलिए, मैं वाईफाई को ऑन करता हूँ तो आपको वाईफाई का ऑप्शन साइट में देखने को मिल जाएंगे, तो आपको वाईफाई ऑन कर देना है। तो फ्रेंड, आप देख लीजिए कि हमारा जो स्मार्ट एलईडी टीवी है तो उसमें जो वाईफाई है वही मैं वाईफाई ऑन करता हूँ, तो आप देख लीजिए कि मैंने वाईफाई ऑन कर दिया है। और ऑन करने के बाद आपको मोबाइल में हॉटस्पॉट से कनेक्ट करना है। तो चलिए, हमारे पास जो वीवो का जो मोबाइल है तो इस मोबाइल से हमें जो उसमें वाईफाई है वही हमें कनेक्ट करना है। तो आपको सबसे पहले मोबाइल में हॉटस्पॉट ऑन करना है। तो चलिए, मैं मोबाइल में हॉटस्पॉट ऑन करता हूँ। तो फ्रेंड, आप देख लीजिए कि हमारा मोबाइल है तो इस मोबाइल में सबसे पहले जो हॉटस्पॉट है वही मैं ऑन करता हूँ। तो आप देख लीजिए कि हमारा मोबाइल है तो उसमें जो हॉटस्पॉट है वही मैं ऑन करता हूँ। तो आपको इस तरह मोबाइल में हॉटस्पॉट ऑन करना है और ऑन करने के बाद आपके जो हॉटस्पॉट में जो नाम है वही आपको एलईडी में शो हो जाएगा, तो उसमें आपको कनेक्ट करना है। तो चलिए, इस हमारा जो स्मार्ट एलईडी टीवी है तो उसमें वाईफाई का नाम आ गया है। तो चलिए, उसमें मैं क्लिक करता हूँ। तो फ्रेंड, आप देख लीजिए कि वाईफाई पे मैंने क्लिक कर दिया और हमारा जो मोबाइल से जो स्मार्ट एलईडी टीवी है वही हमारा कनेक्ट हो रहा है। तो आप देख लीजिए स्क्रीन पे कि उसमें हमारा कनेक्ट हो रहा है। तो इस हमारा जो उसमें जो यूट्यूब एप्लीकेशन है वही ओपन हो रहा है। तो आपको इस तरह मोबाइल से स्मार्ट एलईडी टीवी में हॉटस्पॉट करके आपको यूट्यूब को चलाना है, तो इस तरह आपको कनेक्ट करके चला सकते हो। तो फ्रेंड, आप देख लीजिए कि हमारा मोबाइल में जो इंटरनेट की स्पीड स्लो है, तो इस वजह से हमारा जो स्मार्ट एलईडी में यूट्यूब है वही स्लो चल रहा है। तो फ्रेंड, आप देख लीजिए कि हमारा स्मार्ट एलईडी टीवी में यूट्यूब ओपन हो गया है। तो आपको इस तरह यूट्यूब को ओपन करना है, इस तरह यूट्यूब को चलाना है, तो आपको स्मार्ट एलईडी में चला सकते हो। तो चलिए, मैं किसी भी जो आपको सर्च करके वीडियो लाना है तो आपको साइट में सर्च का बॉक्स आपको दिखने को मिल जाएंगे, तो उसमें आपको क्लिक करना है। तो चलिए, मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ। तो फ्रेंड, आप देख लीजिए कि आपको किसी भी जो सॉन्ग को आपको सर्च करना है तो आपको सर्च करके भी आपको उसमें प्ले कर सकते हो। तो चलिए, मैं किसी भी जो सॉन्ग को सर्च करके आपको बता देता हूँ कि आपको सर्च करके आपको कैसे क्लिक करना है। तो फ्रेंड, आप देख लीजिए मैं किसी भी जो सॉन्ग का नाम टाइप कर रहा हूँ, तो आपको इस तरह किसी भी जो वीडियो है तो इस वीडियो को आपको सर्च करके लाना है, तो आपको इस तरह उसमें जो कीबोर्ड देखने को मिल जाएंगे तो उसमें आपको क्लिक करके आपको उसमें सॉन्ग को प्ले करना है, तो आपको इस तरह सर्च करके प्ले कर सकते हो। तो फ्रेंड, आप देख लीजिए साइट में भी ऑप्शन आ गया है, तो उसमें आपको क्लिक करके भी वीडियो सर्च कर सकते हो। तो चलिए, मैं उसमें जो सॉन्ग का नाम टाइप किया था वही आ गए, तो चलिए उसमें मैं क्लिक करता हूँ। तो इस तरह आपको क्लिक करके सॉन्ग को आपको प्ले करना है तो आपको प्ले कर सकते हो। तो फ्रेंड, आप देख लीजिए कि मैंने एक सॉन्ग का नाम टाइप किया था
वही हमारा आ गया है, लेकिन इस वीडियो को आपको प्ले करना है तो आपको क्लिक करके प्ले भी कर सकते हो। तो इस तरह आपको स्मार्ट एलईडी में यूट्यूब को चला के आपको सर्च में नाम टाइप करना है, तो इस तरह आपको सर्च में नाम टाइप कर सकते हो। तो फ्रेंड आप देख लीजिए कि मैंने वीडियो पे क्लिक किया तो इस वीडियो हमारा जो स्मार्ट एलईडी टीवी है तो उसमें ओपन हो रहा है। तो इस तरह आपको स्मार्ट एलईडी टीवी में यूट्यूब को ओपन करना है और इस तरह आपको वीडियो चलाना है तो इस तरह आपको वीडियो भी चला सकते हो। और आपको क्वालिटी एचडी में करना है तो आपको क्वालिटी एचडी में भी कर सकते हो। तो फिर आप देख लीजिए कि मैंने क्वालिटी को चेंज कर दिया वीडियो का, तो इस तरह हमारा जो यूट्यूब है तो उसमें हमारा स्मार्ट एलईडी में प्ले हो रहा है। तो इस तरह आपको मोबाइल से कनेक्ट करके हॉटस्पॉट से आपको स्मार्ट एलईडी में यूट्यूब को चलाना है तो इस तरह आपको चला सकते हो। तो फ्रेंड आप देख लीजिए कि उसमें जो वीडियो है तो इस वीडियो हमारा सही से स्मार्ट एलईडी में चल रहा है, तो इस तरह आपको यूट्यूब को चला सकते हो। तो चलिए मैं बैक कर देता हूँ, तो आपको इस तरह होम बटन पी मिल जाएंगे, तो आपको न्यूज का मिल जाएंगे, तो आपको इस तरह गेमिंग का मिल जाएंगे, तो आपको जिसमें आपको क्लिक करना है तो उसमें आपको क्लिक कर सकते हो। तो फ्रेंड आप देख लीजिए कि उसमें होम बटन पी है, न्यूज का है और आपको गेमिंग का है, तो उसमें आपको क्लिक करके वीडियो पे देखना है तो आपको क्लिक करके वीडियो पे देख सकते हो। और आपको सर्च में जाके वीडियो देखना है तो आपको सर्च में जाके वीडियो पे देख सकते हो। तो इस तरह आपके पास मोबाइल है लेकिन आपके पास जो स्मार्ट एलईडी टीवी है तो उसमें आपको यूट्यूब चलाना है, तो इस तरह आपको मोबाइल से हॉटस्पॉट करके यूट्यूब को आपको इस तरह चला सकते हो। तो फ्रेंड आप देख लीजिए कि सभी जो यूट्यूब में सभी ऐप है वही आ रहा है, जो सभी मेनू है वही आ रहा है। तो आपने जो यूट्यूब को कनेक्ट किया है वही आपको डिसकनेक्ट करना है, तो आपको वाईफाई पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको वाईफाई ऑफ करना है। तो चलिए आप देख लीजिए कि स्मार्ट एलईडी टीवी में मैंने वाईफाई को ऑफ कर दिया है। तो चलिए मैं फिर से यूट्यूब पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद मैं वीडियो को प्ले करता हूँ तो हमारा वीडियो प्ले नहीं होगा क्योंकि जो वाईफाई था वही मैंने ऑफ कर दिया है। तो आपको इस तरह मोबाइल से हॉटस्पॉट करके यूट्यूब को चलाना है स्मार्ट एलईडी टीवी में, तो इस तरह आपको चला सकते हो। चलिए मैं वीडियो पे क्लिक करता हूँ तो उसमें जो वीडियो है वही वीडियो प्ले नहीं होगा क्योंकि मैंने जो स्मार्ट एलईडी टीवी में जो वाईफाई था वही मैंने ऑफ कर दिया है। तो इस तरह आपको मोबाइल से आपको स्मार्ट एलईडी टीवी में हॉटस्पॉट करके आपको यूट्यूब को चला सकते हो। तो फ्रेंड आप देख लीजिए कि हमारा जो स्मार्ट एलईडी टीवी था रियलमी का, तो उसमें मैंने यूट्यूब को प्ले करके आपको बता दिया है, तो इस तरह आपको यूट्यूब को चला सकते हो। तो जो सभी फ्रेंड आपको जो इस तरह वाईफाई आता है तो आपको वाईफाई पे क्लिक करके आपको यूट्यूब को ऑन कर सकते हो, तो उसमें आपको इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए तभी आप उसमें यूट्यूब को चला सकते हो। तो जो फ्रेंड सभी प्रोसेस था तो इस प्रोसेस में आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। तो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पे नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।